और पहाड़ी इलाकों में हो रही झमाझम बारिश से राप्ती नदी उफान पर है। राप्ती नदी के उफान से कई जिलों में बाढ़ जैसे मंजर दिखाई देने लगे हैं, लेकिन ऐसे में सिद्धार्थनगर में उस वक्त बड़ा हादसा टल गया जब एक नाव राप्ती नदी में पलट गई। इसमें 12 महिलाएं सवार थी। गनीमत यह रही कि महिलाओं की चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने 12 महिलाओं में से 11 को बचा लिया, लेकिन अभी तक एक युवती का पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोर ने डूबती युवती की तलाश में जुट गए हैं, लेकिन अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। गए थे कास काटने, उसके बाद किनारे आए नाई, उसके बाद पलटी हो गया, कुल औरत उतरने लगी, उसके बाद नाई पलटी हो गई, उसके बाद बचाने के लिए आ गया था, उसके बाद में और डूब इधर इधर निकाला हो गया, क्या रहा तो निकल गया, खत्म हो गया है। एक लड़की जो डूबे कितने साल की थी? 14-15 साल की थी लगभग। अरे ऐसा है, कास काटने वाले आए थे इस बार से मल्लाह का चिरौरी किए, मल्लाह के चिरौरी करके यहाँ से गए 12 लोग लड़के, उस पर कास उस पार से काट के लेके सर आए इस पार नदी के काछे पे। जैसे पहुँचे जैसे दो चार बंदे एक बैग कूद पड़े नदी के तीरे पे के, तो और मोटी मोटी औरतें थी तो उसमें ना डूब गई, पानी भर गया। जब ना डूब गई तो 12 मई की 11 को उसरी पारी निकाला गया, उसके बाद एक तो उसमें पानी में बैठ।